हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया हूँ जो आप कल कल यानी कि 10 सितंबर 2024 को अगर वो लेवल के आसपास मिलते तो वो स्टॉक में अच्छी रैली आ सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे, कल जो स्टॉक दिए थे उसमें पहला स्टॉक था HUL, जो क्या हुआ था, क्लियर कट अपना 2870 के ऊपर बाय बोला था, 2921 चल रहा है, मार्केट में गिरावट आई, लेकिन अपने अच्छा स्टॉक सिलेक्शन था उसकी वजह से स्टॉक ऊपर गए और अच्छा सा ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो इसको आप होल्ड करके रख सकते हो, 3000 के लेवल आपको वेरी सुन देखने को मिल सकते हैं। ITC एक ऐसा स्टॉक है जो बाय ऑन डिप बोला था, लेकिन स्टॉक नीचे ही नहीं आया था, उसकी वजह से कॉल एक्टिव नहीं हुआ। जुबलिएंट फूड भी नीचे की बाय ऑन डिप, हमने यानी कि अपने तीन स्टॉक सोचे थे मार्केट में करेक्शन आएगा तो बाय ऑन डिप काम आएगा, लेकिन नहीं आया और अपना एक कॉल जो एक्टिव हो गया उसकी वजह से अपना यहाँ पे बाइंग हुआ। अदरवाइज ये तीनों स्टॉक देखोगे तो अच्छे थे, लेकिन कॉल एक्टिव नहीं हुआ। अभी अपने चलेंगे चार स्टॉक जो कल अच्छी रैली दिखा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल गाइस ज्वाइन करना है, आपको लाइव मार्केट में यहाँ पे सबसे पहले अपडेट मिलती रहेगी। तो अभी अपने चलेंगे चार स्टॉक जो कल अच्छी रैली दिखा सकते हैं, उसमें पहले स्टॉक का नाम रहेगा जुबलिएंट फूड। जुबलिएंट फूड में पोजीशन बनानी है, उसके पीछे का अपने लॉजिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो स्टॉक में आपको क्या दिख रहा है, क्लियर कट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो इसके हाई के ऊपर गया तो स्टॉक में अच्छी रैली आ सकती है, इसका लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अभी 642 के आसपास चल रहा है तो आपको 647 के ऊपर पोजिशन बनानी है, 634 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 670 के टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकते हैं। जुबलिएंट फूड याद होगा आपने कल बोला था बाय ऑन डिप करना है 630 के आसपास, लेकिन कॉल एक्टिव नहीं हुआ और स्टॉक 635 का लो मार के फिर से ऊपर चला गया। तो स्टॉक ने बहुत अच्छा रिवर्सल दिया और यहाँ पे उसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है। तो आज का हाई अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक में अच्छी रैली ऊपर की साइड आ सकती है। तो ये पहला स्टॉक हो गया जिसमें अच्छी रैली आएगी, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, वेट एंड वॉच करना है, उसके बाद पोजिशन बनानी है। दूसरा स्टॉक है TVS मोटर। TVS मोटर में आप ध्यान से देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर जैसे जुबलिएंट में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था सेम वैसा ही है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और यहाँ से अगर स्टॉक कल आज का हाई ब्रेक करता है तो अच्छी रैली आएगी, ये अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉक का 2765 अभी क्लोजिंग है तो ज़्यादा नहीं, 2772 के ऊपर बाइंग करना है, 2715 का उसके बाद कुछ स्टॉप लॉस होना चाहिए। 2900 के टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन वो कब दिखाएगा, ये लेवल का यानी कि आज के हाई के ऊपर कल स्टॉक पहले जाता है तभी स्टॉक में अच्छी रैली आ सकती है। स्टॉक का नाम है TVS मोटर, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के हिसाब से आप इसमें पोजीशन बना सकते हो, वेट एंड वॉच करना है, उसके बाद पोजीशन बनानी है। अभी गाइज मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है ल्यूपिन। ल्यूपिन भी ध्यान से देखोगे तो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास से स्टॉक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है, ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक बहुत कम गिरते हैं और जब भी गिरते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी होती है। और यहाँ पे आपको ये क्लियर कट क्या दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है और वहाँ से स्टॉक में रिवर्सल आने के बहुत हाई चांस है और स्टॉक नया हाई भी मार सकता है। 2216 के आसपास है तो अभी कुछ नहीं करना, 2240 के ऊपर जाता है तभी स्टॉक में अच्छी रैली आएगी, 2184 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 2330 के टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। स्टॉक का नाम है ल्यूपिन, डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के हिसाब से अपने पोजीशन इसमें बना सकते हो, वेट एंड वॉच करना है, पहले 2240 का लेवल क्रॉस करेगा तो भी अच्छी रैली आएगी। अभी गाइज मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल एक अपना वो सेटअप है जो आप ध्यान से देखोगे तो, कौन सा सेटअप है जो आपको पहले अपने फ्राइडे स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था, ऑसम ऑस्किलेटर डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी के हिसाब से आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, मैं यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा तो वहाँ जाके आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक को आपको कब पोजिशन बनानी है। तो अभी आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो स्टॉक का ये पहले लो था, उसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया और आज देखोगे तो नया लो मारा, तो यानी कि ये डाइवर्जेंस यानी कि स्टॉक ने नया लो मारा है। लेकिन यहाँ पे आपका ऑसम ऑस्किलेटर देखो, नॉर्मली अपने रूल्स के हिसाब से 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 5 ऑसम ऑस्किलेटर है, वो आप वीडियो देखोगे तो आपको वो स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है ऑसम ऑस्किलेटर, स्टॉक भले नीचे आए लेकिन ये आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो अगर स्टॉक आज का हाई ब्रेक करता है तो बहुत अच्छी रैली आएगी और स्टॉक का यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये अभी सपोर्ट था उसका, सप्लाई का भी काम करेगा। तो अगर कल स्टॉक समझो कि ये सप्लाई के ऊपर क्रॉस किया तो बहुत अच्छी रैली आएगी और ये अपना स्टॉप लॉस होगा, उसके बाद ऊपर की साइड स्टॉक जा सकता है। 1493 के आसपास है तो अभी कुछ नहीं करना, 1519 के ऊपर जाएगा
तभी पोजीशन बनाएंगे। 1465 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 1600 के टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। कौन से स्ट्रैटेजी है? ऑसम ऑस्किलेटेड डाइवर्जन स्ट्रैटेजी के हिसाब से इसमें पोजीशन बना सकते हो। तो अपना चौथा और आखिरी स्टॉक होगा जिसमें अच्छी रैली आ सकती है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। गाइज थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।